आशीष, दो नतीजे आज आए हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? मीडिया इंडस्ट्री और दूसरा एक सीमेंट मेजर जो कंपनी है, इनके प्रॉफिट मार्जिन पर क्या कहेंगे? बेसिकली अगर मैं चार्ट के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि आई एम ए टेक्निकल एनालिस्ट, तो अगर हम चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले मैं अंबुजा सीमेंट के ऊपर आता हूं। अंबुजा सीमेंट का जो चार्ट है वहां पे उसने करीबन इन द मंथ ऑफ जून, जून की शुरुआती दौर में ही एक संगम पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दिया है, कि जो कि बहुत ही इम्प्लीकेशन वाला माना जाता है। तो वहां से जब स्टॉक अगली रैली अगर हम देखते हैं तो 214 से रुपए 214 से लेके करीबन 267-268 तक ये स्टॉक आया है। तो ये चार्ट के ऊपर ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड था कि एक अच्छे खासे मुनाफे यहाँ पे दिखाई देंगे, और मैं ये मानता हूँ कि ये जो स्टॉक है ये और भी पॉजिटिव रहेगा। इसके लिए एक रेजिस्टेंस जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 285 का, तो 285 तक डेफिनेटली ये स्टॉक जाने की संभावना है। अगर हम जी एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न, बुलिश चार्ट है ये, हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैं मानता हूं कि ये उसका जो ट्रेंड है ये और भी आगे जारी रहेगा अच्छे खासे पैटर्न फॉर्मेशन की वजह से। और वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो अच्छे खासे वॉल्यूम भी इस चार्ट पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि अगर ये स्टॉक हम 478 को क्लोज करते हुए, 478 के ऊपर हमें क्लोज मिलता है तो एक बहुत बुलिश मोमेंटम इस स्टॉक में आएगा, जो कि स्टॉक को करीबन 525 तक लेके जाने की संभावना है। तो यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं और 525 के टारगेट को एंजॉय भी कर सकते हैं। ऑलराइट, दर्शकों से बात करते हैं इस वक्त। हमारे साथ दिल्ली से ब्रजेश हैं। बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक लिया आपने ब्रजेश? आप सुन पा रहे हमें? चलिए, इन्होंने हमें सवाल भी भेजा था पीएनबी पर। 150 शेयर इनके पास है, 110 इनका खरीद भाव है। फिलहाल मुनाफे में 129.30 रुपए पर पीएनबी की आज क्लोजिंग हुई है। इनफैक्ट अब से दो दिन बाद क्वार्टर वन के नतीजे भी पीएनबी के आने वाले हैं, तो इसको देखते हुए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? पीएनबी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो एक अच्छा खासा एक मोमेंटम इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है, जिसने स्टॉक को करीबन 67 से लेके 136-138 के लेवल तक इसको लेके गया था। फिलहाल अगर हम पिछले डेढ़ हफ्ते का चार्ट देखते हैं तो उसमें करेक्शन इस स्टॉक में आता हुआ नजर आया है। 136-137 के ऑड लेवल से ये स्टॉक 120 के लेवल तक नीचे आया था और वहां से वापस एक उछाल इस स्टॉक में आता हुआ नजर आ रहा है। ये जो करेक्शन हुआ है ये करेक्शन स्टॉक के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये जो इस स्टॉक में खरीदारी हो रही है वो और ऊपर जाने की संभावना है। तो मैं मानता हूं कि ये स्टॉक जिनके पास है वो फिलहाल होल्ड करें। स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा डीप डाउन में रेकमेंड करूंगा, 120 का स्टॉप लॉस होगा, और अगर स्टॉक 138 के ऊपर दिखाई देता है तो और खरीदारी करने की सलाह होगी। उस केस में स्टॉक का जो टारगेट है वो करीबन 162 तक का भी होने की संभावना है। ऑलराइट, कोलकाता से अभिषेक जी से बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है अभिषेक आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक लिया आपने? लिया है 1032 से। टारगेट जी, पीवीआर पे तो फिलहाल आपकी खरीद भाव के हिसाब से आपको हो रहा है मुनाफा ही। कब तक रखने का प्लान है आपका? मेरा जीएसटी तक आने का प्लान है। जीएसटी जब तक नहीं आ रही तब तक रखने का प्लान है। जीएसटी के से आस लगाए बैठे हैं आशीष, जिसको लेकर आज ही एम्पावर्ड कमेटी की जो बैठक हुई, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हम इसको फिलहाल नहीं कह सकते हैं। और अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो फिलहाल इनफैक्ट 29 जुलाई को क्वार्टर वन रिजल्ट भी आने हैं, और कुछ समय पहले, लगभग हफ्ता भर पहले, इसने अपना 52-week हाई भी टच किया है। इन सब फैक्टर्स को अगर हम ध्यान में रखें तो क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं? पीवीआर का अगर हम चार्ट देखते हैं तो इसमें पहला एक पॉजिटिव ये था कि जब एक हफ्ता पहले कबाली का जो लॉन्च हुआ, मतलब कबाली पूरे भारतवर्ष में प्रदर्शित हुआ, तो उसकी वजह से एक बुलिश मोमेंटम हमने इस स्टॉक में देखा है। चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इसमें एक कंसोलिडेशन हो रहा है, और कंसोलिडेशन के पीछे अगर हम चार्ट का एनालाइज करते हैं तो उसमें एक रैली देखी गई है। तो ये जो पैटर्न है इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न, अप फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट भी कहा जा सकता है, लेकिन ब्रेकआउट होना अभी बाकी है। जिस तरह से वॉल्यूम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ब्रेकआउट जो है वो ऊपर की तरफ मिलने की संभावना ज्यादा है। रिसेंट पास्ट में जितने सारे टॉप्स बने हैं उनको अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो यहां पे मैं मानता हूं कि 1133 ये एक ऐसा लेवल है, इसके ऊपर अगर ये स्टॉक हम देखते हैं तो वो बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट माना जाएगा। उस केस में 1225 तक का ये टारगेट अचीव करने की संभावना है। तो फिलहाल ये स्टॉक होल्ड करें। स्टॉप लॉस जो मैं है इस स्टॉक के लिए वो 1060 का रिकमेंड करूंगा, विथ अस होल्ड करिए 1060 के स्टॉप लॉस से 1225 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, अगले दर्शक से बात करते हैं अहमदाबाद से अनिकेत पटेल जी। अनिकेत जी स्वागत है हॉट स्टॉक्स में आपका। कौन सा स्टॉक लिया आपने?
मैंने 179 पे SBI के 100 शेयर लिए, तो क्या करना चाहिए मेरे को? कोई स्ट्रेटजी आपने सेट की है इस पे? लॉन्ग टर्म के लिए किया है मेरे इसमें इन्वेस्ट, तो क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के हिसाब से SBI में निवेश रणनीति कैसी होनी चाहिए? फिलहाल तो अपने खरीद भाव से ये मुनाफे में ही है, और जिस तरह हम नतीजे देख रहे हैं, नतीजों का सीजन है, उसको देखते हुए क्या करें? सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ इनको कि उन्होंने सही समय पे ये स्टॉक बाय किया है। एक्चुअल 150 से लेके 180 एक ऐसा बैंड था जहाँ पे इस स्टॉक को खरीदारी करने की हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड भी किया है ये स्टॉक, और लॉन्ग टर्म अवधि के लिए ही रिकमेंड किया है। अगले अगर 2 या 3 साल का हम नजरिया रखते हैं तो ये स्टॉक मैं मानता हूँ करीबन 300 से 350 रुपये तक भी, 350 रुपये का लक्ष्य भी इस स्टॉक में दिखाई देने की संभावना है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए, और 2 साल के लिए होल्ड करेंगे तो 350 का भाव हमेशा डेफिनेटली दिखाई देगा। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास वाराणसी से अमित कुमार जी जाना चाह रहे हैं। सिप्ला पर 100 शेयर इनके पास है, इस पर इनका खरीद भाव है 521.45 रुपए का। फिलहाल इनके खरीद भाव से इन्हें 2 रुपए का लगभग मुनाफा है सिप्ला में। फार्मा सेक्टर अगेन न्यूज फ्लो से काफी ज्यादा प्रभावित रहता है। फिलहाल सिप्ला में अगर ये रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तो इनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए? सिप्ला का अगर हम चार्ट देखते हैं तो वो मुझे उतना लुक्रेटिव नहीं लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे की तरफ चल रहे हैं। सिर्फ एक पॉजिटिव चीज यहाँ पे जो दिखाई दे रही है कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न फॉर्म कर रहा है, लेकिन इसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं देता है तो मैं इस स्टॉक पर, पर्टिकुलर फार्मा सेक्टर में से इस स्टॉक पर मैं बुलिश नहीं हो पाऊंगा। और ये जो ब्रेकआउट है, ये स्टॉक का ब्रेकआउट मैं मानूंगा अगर स्टॉक करीबन 545 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर मिलता है तो ही। तो ये 2 चीजें कर सकते हैं। पहली चीज कि हम यहाँ पे थोड़ा रुक जाएं, 548 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग बेसिस पर ये स्टॉक मिलता है तो होल्ड करें। अगर 548 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है तो इस स्टॉक के लिए मैं मानता हूं कि जो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको लगाना होगा वो होगा करीबन 512 का। 512 के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोज होता है तो इस स्टॉक में से तुरंत निकल जाए, और अगर फार्मर में ही इन्वेस्टमेंट करना है तो इस स्टॉक में से निकल के PEL पिरामल इंटरप्राइजेस, ये स्टॉक फार्मा सेक्टर में से एक बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करने वाला स्टॉक रहेगा। अगले अगर हम 3 या 6 महीने का भी नजरिया रखते हैं PEL में, तो यहाँ से कम 20 से 22% का रिटर्न अगले 6 महीने में हमें दिखाई देगा PEL में। तो फिलहाल अगर इनको ये स्टॉक होल्ड करना है तो 512 का स्टॉप लॉस, और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो पैसा निकाल के PEL में डालने की मेरी सलाह। इस वक्त हमारे साथ पुणे से सागर जी हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? मैडम मेरे पास यूफ्लेक्स है 127 से 500। फिर से बताएंगे अपना स्टॉक? यूफ्लेक्स। यूफ्लेक्स है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपके पास? बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे सबसे पहले बात करते हैं, और यूफ्लेक्स पर भी हम चर्चा करेंगे। यूफ्लेक्स के 500 शेयर आपके पास हैं और 127 खरीद भाव है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के 300 शेयर 153 खरीद भाव है। दोनों पर क्या स्ट्रेटजी है आपकी? लॉन्ग टर्म है मैडम। लॉन्ग टर्म का नजरिया यूफ्लेक्स और बैंक ऑफ बड़ौदा। अब एक एक करके अगर बात करें दोनों ही स्टॉक्स की, तो क्या रणनीति रखें? सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर बात करते हैं। मैं मानता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ये जो स्टॉक है एक कंसोलिडेशन में अटका हुआ स्टॉक है, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें हमें प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विद टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो ये ज्यादा उतना परफॉर्मेंस हमें नहीं दे पाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस स्टॉक में से वो निकल जाए। अगर इनको PSU बैंक में ही इन्वेस्टमेंट करना है तो एक स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक, कि जो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए चल रहा है, तो यहाँ से जो पैसे आएंगे वो निकाल के वो PSU बैंक में डालना चाहते हैं तो सिटी यूनियन बैंक है CUB उसमें डाल दें। और अगर इनको बैंकिंग में ही जाना है तो फिर मैं रेकमेंड करूंगा या तो इंडसइंड बैंक या तो येस बैंक। तो मैंने इनको 2 ऑप्शंस दिए हैं। पहला, अगर PSU बैंक जाना है तो CUB में यहाँ से निकल जाए और सेंट्रल सिटी यूनियन बैंक में निवेश करें। दूसरा जो स्टॉक है इनका वो है यूफ्लेक्स। अगर यूफ्लेक्स की बात करें तो एक बेहतरीन स्टॉक
बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक है। फिलहाल इसने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन बनाया है, तो मैं मानता हूं कि अगर ये स्टॉक 556 के ऊपर हमें क्लोजिंग बेसिस पर मिलता है तो इस स्टॉक का लक्ष्य करीबन 304 रुपए जाने की संभावना है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है, होल्ड करें। होल्ड करते वक्त जो स्टॉप लॉस मैं इनको रिकमेंड करूंगा वो स्टॉप लॉस होगा करीबन 236 का, क्लोजिंग बेसिस पर इसको ध्यान में रखें। अगले दर्शक से बात करते हैं, लुधियाना से राज हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। हॉट स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक लिया आपने? राज सुन पा रहे हैं आप हमें? राज ने इनफैक्ट हमें सवाल भी भेजा, इनका सवाल सुमित इंडस्ट्रीज पर है। सुमित इंडस्ट्रीज के इनके पास 5000 शेयर है और 16 इनका खरीद भाव है। जी राज सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सुमित इंडस्ट्रीज पर आपका सवाल है और कोई खास वजह सुमित इंडस्ट्रीज को चुनने के लिए आपके? मैंने कल स्टोर किया था लेकिन सिर्फ 5 दिन के आ गया, 1 दिन के 16 रुपए के आ गया था, लेकिन इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। ऐसे कई बार मैं बहुत करके थोड़ा बहुत आवाज में क्लैरिटी नहीं आ रही है फिलहाल राज के। इनफैक्ट सुमित इंडस्ट्रीज की अगर थोड़ा बहुत चर्चा करें आशीष, काफी छोटी मार्केट कैप की कंपनी है फिलहाल, इसमें इन्हें नुकसान भी है, क्या वजह हो सकती है कि सुमित इंडस्ट्रीज को ही इन्होंने चुना है? और अगर इस सेक्टर में टेक्सटाइल्स मैनमेड सेक्टर की बात करें, कहीं और अगर ये जाना चाहें तो कौन सा ऐसा कंपनी हो सकता है? बेसिकली सबसे पहले सुमित इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। अगर मैं सुमित इंडस्ट्रीज की बात करता हूं तो इस स्टॉक में अगर हम देखते हैं तो उतना ज़्यादा वॉल्यूम, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन की बात छोड़ दे तो वॉल्यूम इतना लुक्रेटिव नहीं है जितना है कोई टेक्निकल एनालिस्ट उसको प्रेफरेंस दे। और जिस तरह का प्राइस मूवमेंट इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है तो मैं मानता हूं कि यहां पे इस स्टॉक में से उनको तुरंत निकल जाना चाहिए। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं, तो मैं फिलहाल इस सेक्टर पे उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि उतना ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस इस सेक्टर में से नहीं मिल पाएगा। तो मैं इनको मानता हूँ कि ये थोड़ा कुछ ऑटो एंसिलरीज वगैरह में अगर वो शिफ्ट होना चाहे तो गैब्रियल एक ऐसा स्टॉक है जो मैं इनको रिकमेंड करना चाहूँगा। फाइनली रिटर्न इज मोर इम्पॉर्टेंट कि वो कौन से सेक्टर से आ रहा है, इसके बदले मेरा व्यू ऐसा है कि कोई सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक ढूंढने के बजाय जिसमें अपॉर्चुनिटी हो वहां पे निवेश होना चाहिए। तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि इस स्टॉक में से निकल जाए और गैब्रियल में इन्वेस्ट करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा मिलेगा। जी अगले दर्शक से बात करते हैं, हमारे साथ बेंगलुरु से अरिहंत जी है, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में, कौन से स्टॉक पे सवाल है आपका? हाँ थैंक यू, मेरा सवाल है आईनॉक्स विंड पे। जी मेरे पास 350 के बाय किए हुए हैं, अराउंड 100 शेयर्स हैं आपके पास, थोड़ा सा क्वांटिटी हम चेंज करना चाहेंगे। अब आईनॉक्स विंड पे क्या स्ट्रेटजी आप पे रखी है? सुन पा रहे अरिंद आप हमें? हाँ सुन पा रहा हूँ। क्या स्ट्रेटजी आपने सेट किया आईनॉक्स विंड पे अपनी तरफ से लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म का नजरिया आईनॉक्स विंड के लिए आपको कैसा लगता है, चार्ट पैटर्न किस तरफ इशारा करता है? कंटिन्यूअस लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है ये स्टॉक, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बात नहीं करना चाहूंगा इस चार्ट के ऊपर क्योंकि ये स्टॉक जो है करीबन 480 ऑड लेवल से लेके अभी करीबन 230 ऑड लेवल्स के यहाँ पे आ गया है। और जिस तरह से यह स्टॉक नीचे आया है मैं मानता हूँ कि ये जो सेलिंग प्रेशर है इसमें बरकरार रहेगा। ओनली वन पॉजिटिव थिंग विच आई कैन से अबाउट, मतलब एक पॉजिटिव चीज जो मैं इस चार्ट के ऊपर बात करना चाहूंगा कि इस स्टॉक में एक 213 एक ऐसा लेवल है जो इसने 2 बार टेस्ट किया है और वहां से ये स्टॉक थोड़ा ऊपर की तरफ उछला है। तो अगर इनको इस स्टॉक को होल्ड करना है तो 212 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, लेकिन फिर भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैम्पर होगा। तो मैं मानता हूं कि ये यहां से निकल जाए और किसी दूसरे स्टॉक में जिसकी मैंने बात की जैसे कि सिटी यूनियन बैंक है या फिर येस बैंक है बैंकिंग सेक्टर में से, या फिर ऑटो एंसिलरीज में अगर करना है तो गैब्रियल में, इस स्टॉक में निवेश करें, इस स्टॉक में से निकल जाए तो ही बेहतर रहेगा इनके लिए।